होगा एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल मैकेनिकल फ्यूल, राइट। मैंने इसको पहले आपको बता दिया, फिर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा लॉजिक आप चलाइए कि फॉर्मूला का बात करते हैं, तो टैंक कहाँ होता है, पीछे होता है ना, होती है टैंक, फ्यूल टैंक। अब फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेके आना है और ट्रांसमीटर में भेजना है, ठीक है। मारुति 800 की बात करें, उसमें आप लोगों को गाड़ी में देखा ऑलरेडी, व्हाट्सअप में आपने देखा है, मारुति 800 में आपका जो फ्यूल पंप होता है वो फ्यूल पंप क्या करता है, फ्यूल से टैंक को लेके आएगा, कार्बोरेटर में भेजेगा, इतना काम उसको करना है और कुछ नहीं करना। तो आप पढ़ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन तो हमने बता दी, ये काम ये करता है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें पंप में देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में एक डायग्राम है, डायग्राम के साथ एक ट्यूबलेट बना हुआ है, यहाँ पे एक फाइबर के साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है और ये रखा रहा है। ये क्या है, तुम्हारा मूवमेंट होते रहता है ऑटोमेटिकली, जब तक फ्यूजन चलते रहेगा तब तक। यहाँ पे दो बल्ब बना हुआ है, एक सक्शन बल्ब जिसको हम इनलेट बोलते हैं, ये प्रेशर बल्ब है जिससे आउट होगा कार्बोरेटर के पास, और ये तुम्हारा स्टर्नर है जिससे होते हुए फ्यूल जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस होने के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्यूल चैम्बर है, यहाँ पे फ्यूल का सारा प्रोसेस करने के लिए क्या बोलते हैं, जब गैस मूवमेंट होता है तो गैस जब मूव कर रहा है तो मोटर आर्म जो है उसके जरिए ये वैक्यूम ऊपर नीचे होता है, तो जब गैस का नीचे आता है तो क्या होता है, सक्शन क्रिएट होता है, मतलब कि हम लोग एयर को वैक्यूम कर रहे हैं, तो वैक्यूम कर रहे हैं फ्यूल को लेके जा रहा है, फ्यूल को लेके कैसे ही जा रहा है, ये जब गैस मूव करेगा तो इसको पुश पुल करते रहेगा हमेशा, इसका तो ये ऊपर की ओर चला गया, जब ये लेके फ्यूल आया नीचे से ऊपर की ओर चला गया, मतलब डायफ्राम जैसे नीचे आया कूलिंग किया, जैसे ऊपर गया फ्यूल आउट, ये प्रोसेस होते रहते तब तक कि जब तक कि कार्बोरेटर में फ्लोट चैम्बर में पूरा फ्यूल भर है। फिर क्या होता है, जब वहाँ फ्यूल भर जाता है तब तो हमने को फ्यूल चाहिए नहीं उसमें भेजना, वो तो भेजा नहीं, मतलब ये क्लोज हो गया। अब तुम यहाँ पे जो चैम्बर में प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, उस प्रेशर क्रिएट से क्या होता है, ये फट सकता है या कोई रिलीज कर सकता है, उस प्रेशर को रिलीज कराना है, मतलब इसको वर्किंग करने के लिए रोकना है, रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर जो बढ़ता है उसके कारण डायग्राम क्योंकि ये स्प्रिंग जो है ये छूटता है, ये उसके कारण ये रॉकर आना बंद पोजिशन है, ये गैप से हट जाता है, हट जाता है उस कंडीशन में गैप का मूवमेंट होते रहता है, लेकिन जो हमारा पंप है वो काम करना बंद कर देता है, यानी जो तुम्हारा सक्शन से इनलेट ले रहा है वो लेना बंद कर देता है, और उस कंडीशन में तुम्हारा जो फ्यूल से जो आउटलेट हो रही है, जो कार्बोरेटर से आपके जो आउटलेट हो रहा है वो नहीं जाने लगता है, लेगा ही नहीं जाएगा, और उस कंडीशन में हमारा जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। एक जैसे ही यहाँ पर प्रेशर रिलीज होता है, मतलब इसको चाहिए तो प्रेशर रिलीज होता है, ये फिर से उसके साथ अटैच हो जाता है, अटैचमेंट होने के कारण जो वर्किंग हो रहा था पहले से वो रीवर्किंग होने लगता है, मतलब जो बैकग्राउंड बन सकता है, यही पंप का वर्किंग है, यही मैकेनिकल पंप होता है, और यही इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको आप क्वेश्चन है।